प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण घोटाले का केस सीबीआई को सौंपा। दिल्ली दंगों की आरोपी देवांगना कलिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली के कई इलाकों में हवा खतरनाक श्रेणी में, जहांगीरपुरी में 503 और आनंद विहार में 440 AQI दर्ज। यूपी के इटावा में रेल हादसा, दिल्ली से सहरसा जा रही थी वैशाली एक्सप्रेस में लगी आग। बीजेपी ने राजस्थान के लिए जारी किया मैनिफेस्टो, 2.5 लाख नौकरी देने का किया वादा। राजस्थान चुनाव से पहले जयपुर में राहुल गांधी के साथ नजर आए गहलोत और पायलट। ज्ञानवापी मामले में एएसआई शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट बनारस की अदालत में सौंपेगी। गुजरात के अमरेली जिला महिला भाजपा की पूर्व अध्यक्ष मधुबेन जोशी की हत्या। उत्तरकाशी सुरंग हादसा में श्रमिकों को निकालने का बचाव अभियान 5वें दिन भी जारी। तेलंगाना में आईटी की छापेमारी पर बोले विधायक भास्कर राव, मेरे किसी संबंधी के घर पर नहीं पड़ा छापा। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के चेयरमैन बने प्रवीण चक्रवर्ती, शशि थरूर की लेंगे जगह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 मापी गई। जंग के बीच कतर की पेशकश, 50 बंधकों की रिहाई के बदले 3 दिन हो संघर्ष विराम। जो बाइडेन ने फिर दोहराया बयान, गाजा पर कब्जा इजराइल की गलती होगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।